हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड फन ग्रुप। आप सभी का हमारे चैनल पे बेहद स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MSTCT 2019 से रिलेटेड कैप राउंड थर्ड के बारे में। कैप राउंड थर्ड का डिस्प्ले प्रोविजन लिस्ट कब आ रहा है और उसमें कैसे हमें ऑप्शन फॉर्म भरने रहेंगे, उसमें कैसे वैकेंसीज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर नए हैं और इसी तरह से वीडियो देखते रहना चाहते हैं आने वाले टाइम पर, टेक्निकल वीडियो रिलेटेड, एजुकेशनल वीडियो रिलेटेड, MSTCT वीडियोस रिलेटेड और कोई गेमिंग वीडियोस रिलेटेड, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए इन सब चीज़ों के बारे में और आप एक भी चीज़ से छूटने ना पाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी इन सारे वीडियोज़ को और जानकारी को पा सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आजकल यहाँ पे दो दिन मुंबई से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, तो आई होप कि आप सब के यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मौसम हो। अगर कैसा मौसम है हमें कमेंट में बताएं आपके अपने यहाँ का। और चलिए बात करते हैं आगे कैप राउंड थ्री के डिस्प्ले प्रोफेशनल के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे 2019 पे, तो लॉग इन करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है हम यहाँ देखते हैं। तो हम डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैप राउंड थ्री की अगर बात करें तो यहाँ हम नीचे आएंगे तो हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैप राउंड टू के बाद, यहाँ का नीचे जब नीचे के अगर आप चार लाइन पढ़ेंगे, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट, तो आपको पहला लाइन में आपको डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स कैप राउंड थ्री के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उससे अपडेट कब आएगा, मतलब किस तारीख को ये मिल जाएगा हमें देखने को, हम यहाँ देख सकते हैं 28/7/2019 को हमें देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ हम देखें कि कब आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना होगा और कब हमें ऑप्शन फॉर्म फिलिंग सबमिट करना होगा और लास्ट डेट क्या है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग सबमिट करने के लिए कैप राउंड थर्ड के लिए। तो यहाँ हम देख लें तो अगर आप देखेंगे ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन ऑफ कैप राउंड थ्री थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन बाय द कैंडिडेट, तो इसकी डेट है 29/30/2019, मतलब कि इस मंथ के 30 यानी लास्ट डेट तक। तो मुझे पता नहीं 31 है कि नहीं है, बट 30 को लास्ट डेट है इस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि आपको ऑप्शन फॉर्म किस तरह से भरना है। अगर आपने ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए अभी चूज़ नहीं किया है, सोचा नहीं है कैसे भरना है, तो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें कैप राउंड थर्ड के बारे में। आपको मैंने वीडियो में पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरह से हमें अलॉटेड इंस्टीट्यूट लिस्ट को चेक करके किस कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है और उस कॉलेज में क्या परसेंटाइल है, क्या लास्ट क्लोजिंग है, उसके हिसाब से लास्ट ईयर का कट ऑफ यहाँ पे कैप राउंड थ्री का कट ऑफ यहाँ पे MAH वाला डाउनलोड करके चेक करके आप देख सकते हैं। कट ऑफ चेक करिए, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में वैकेंट सीट्स चेक करिए और फिर उसके बाद आप अपने परसेंटाइल के हिसाब से कौन से कॉलेज में आपको मिल सकता है आपको लग रहा है देखिए, फिर उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भरिए। देखिए दोस्तों अगर आपका परसेंटाइल कम है तो कम से कम मैक्सिमम आप 30 या 40 50 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कॉलेज लग रहा है भरना है तो पहले टॉप के कॉलेज डाल दीजिए जिसमें आपको नहीं मिलने वाला है, बट आप डाल के रखिए और उसके बाद लास्ट में भरिए। इस तरह से लगभग आपको 120-140 ऑप्शन फॉर्म मिल जाएगा भरने के लिए। तो आप उस कॉलेज पहले टॉप के कॉलेज में भरिए जिसमें आपको कंफर्म है कि नहीं मिलने वाला है। अगर मिल जाता है तो फिर आपका ही बात बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपका नीचे आपको मिलता है आपके मन के कॉलेज मिल जाएंगे उसके बाद के, तो इस तरह से आपको कैप राउंड थ्री के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना है। और अपने ब्रांच को दोस्तों ध्यान से चूज़ करके भरिएगा क्योंकि कोई भी ब्रांच नहीं भरना है, ब्रांच आपको वही भरना रहेगा जो आपको लगता है कि आप कर पाओगे। और ये भी देखिएगा उसके साथ साथ कि उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या उसकी प्लेसमेंट्स हैं या नहीं है। तो दोस्तों और इसके बारे में और बात करें कि कैप राउंड थ्री की रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कैप राउंड थ्री का रिजल्ट 1/8/2019 को आने वाला है। तो जहाँ तक पिछले डेट्स तो
यही था, देखते हैं कोई डेट में चेंजेस हुए हैं क्या। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स पे हमें सेलेक्ट करना होगा और नीचे जाते हैं, कुछ येलो कलर के हाइलाइट्स में होगा। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैपराउंड 3 का हाईलाइट दिखा रहा है कि आपका कैपराउंड 3 का डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर कैपराउंड 3 28/7/2019 को मिल जाएगा। और उसके बाद हमें इसका कैपराउंड 3 का रिजल्ट 1/8/2019 जो कि मैंने सोचा था वही है, और अभी तक डेट चेंज नहीं हुआ है कोई भी। तो आपको 1 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा अगले महीने में कैपराउंड 3 का, और फिर उसके बाद भी आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो एक कैपराउंड 4 होता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल कट ऑफ कैपराउंड, जो कि कैपराउंड 4 कहा जाता है, बट आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है कि सब कॉलेजेस में फ़ीस भर देने के, मतलब जो जो एडमिशन ले चुका है उसके बाद कॉलेज क्या करती है, जैसे मान लीजिए कॉलेज के 100 सीट है, तो 100 सीट में वो 51 सीट अगर माइनॉरिटी को देती है और बाकी बचे सीट्स ओपन को देती है, तो उसमें से भी कुछ 10 सीट्स ऐसे होंगे जो वो अपने तरीके से देती है वहाँ पर एडमिशन उनको, या तो मैनेजमेंट के थ्रू या तो कुछ अपने मतलब कैसे भी अपने तरीके से देना चाहती हैं उस सीट में एडमिशन। तो वो अपना सीट खाली रखती हैं 10, उस पर कोई और एडमिशन नहीं ले सकता ऑनलाइन के थ्रू, उनको वो अपने तरीके से ही वहाँ पे सीट को भरते हैं। तो आप एक बार ऑफलाइन जाके कॉलेजेस में बात करिए जिसको नहीं मिल पाएगा 3rd राउंड में, और वहाँ पर उसको मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि वो सीट्स वो खाली नहीं रखना चाहते, उसमें भी वो अपने स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पूरी बात ही कैपराउंड 3 के बाद की बारे में और कैपराउंड 3 के बारे में। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अभी लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और बेल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और एक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैपराउंड 3 के लिए एक डिटेल में ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बारे में। तो आई होप कि अगर आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको अगली बार समझा पाऊँ। तो आप अगली वीडियो का ज़रूर वेट करें, हम आपको जल्द ही बताएंगे। और ये भी बताऊंगा आपको जल्द ही अगले वीडियो में कि आपका ऑप्शन फिलिंग फॉर्म फ्रीज सॉरी आपका जो कैपराउंड 2 का मिला था उसे आपको फ्रीज कैसे करना होगा। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।